हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे फिर से एक खतरनाक वीएफएक्स वीडियो में। तो इस बार हम लोगों ने हनुमान का एक सीन देखा था, तो हेलीकॉप्टर जिसमें सामने से उड़ती है, कुछ पहाड़ी पे एक बंदा खड़ा होता है कैरेक्टर, तो उसको अपने अंदाज में वार सीन में क्रिएट करने का कोशिश किया है हम लोगों ने। तो इस सीन को क्रिएट करने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है गाइस। और गाइस, इस पूरे सीन में हम लोगों का बजट सिर्फ 20 रुपये आई है, उससे ज़्यादा बजट नहीं है। तो पूरे सीन को बनाना है, पूरे सीन को 20 रुपये में ही हम लोग तैयार करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर VFX के कंटेंट देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे। तो गाइस, इस सीन को वार सीन में क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने सबसे पहले शूट करने के लिए गए हैं। तो गाइस, शूट करने के लिए हमने एक लाइट ब्लू ये टी शर्ट पहनी है, लाइट ब्लू ये शर्ट पहनी है और जीन्स पहनी है और एक चप्पल पहनी है, जो देख सकते हैं आप लोग गरीबी में जैसे टूट चुकी है चप्पल भी। तो कॉस्ट्यूम पहन लेने के बाद अब कुछ जवान का जो हम लोगों ने शूट किया था उसके लिए कुछ पट्टी बच गई थी, तो उस पट्टी का हम लोगों ने इस सीन में यूज़ कर लिया है। और एक आर्टिफिशियल गन थी हमारे पास, तो उसको भी यूज़ कर लिया है। एक लाइटर वाली गन है ये, आप लोग रियल मत समझिएगा। इस गन का भी हम लोगों ने अपने शूट में इस्तेमाल कर लिया है। ग्रीन स्क्रीन पर शूट करने के लिए हम लोगों ने बाहर सेटअप लगाया था क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर मैच नहीं हो पाती है, अंदर थोड़ा लाइट की कमी है, अपने पास बजट कम है तो लाइट की कमी है तो लाइटिंग सही से मैच नहीं कर पाती, तो इसलिए बाहर शूट करने का प्लान बनाया। तो ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगाई हम लोगों ने बाहर। अब ग्रीन स्क्रीन लगाने के बाद 2-3 शूट किया जो बढ़िया नहीं आया शूट, तो उसके बाद बारिश हो गई गाइस, बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो पूरी ग्रीन स्क्रीन उठा के हम लोगों को फिर से अंदर लाना पड़ा है। तो हम अंदर शूट करने के लिए करीब 200 शॉट्स लगे हैं इस वीडियो को पूरा शूट करने के लिए। उसके बाद एक फाइनल वीडियो हम लोगों को अच्छा लगा है वीडियो फुटेज, तो इसी को अब लेके चलेंगे आगे, हम लोग इसी पे जो है अपना सीन क्रिएट करेंगे। तो इस सीन को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कुछ 3D मॉडल्स जैसे हमेशा यूज़ करते हैं वैसे ही उस 3D मॉडल्स की जरूरत थी, हेलीकॉप्टर्स वगैरह की और हिल्स वगैरह। हिल्स वगैरह तो गाइस अनरियल इंजन 5 में अपने को स्टार्टर पैक में मिल जाते हैं, तो उसी हिल्स का हम लोगों ने यूज़ किया है इस सीन को बनाने के लिए। उससे पहले हेलीकॉप्टर का कुछ 3D मॉडल्स डाउनलोड किया है, तो 3D मॉडल डाउनलोड करने के लिए हम लोग चले गए स्केच 5 की वेबसाइट पर और वहाँ से एक दो हेलीकॉप्टर के जो हम लोगों को अच्छे लग रहे थे 3D मॉडल्स, उसको हम लोगों ने वहाँ से डाउनलोड कर लिया है FBX मॉडल में। डाउनलोड करने के बाद अब अपना अनरियल इंजन 5 खोल लिया है। अनरियल इंजन 5 खोलने के बाद हम लोगों ने अपना एक सीन क्रिएट कर लिया है 3D एसेट्स और 3D मॉडल्स को यूज़ करके। अब प्रॉब्लम ये आ गई गाइस कि 3D मॉडल जो हेलीकॉप्टर का 3D मॉडल था वो एनिमेटेड नहीं था और हम लोगों को एनिमेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो अनरियल इंजन 5 में एक वीडियो प्ले एनिमेशन आता है जिसके जरिए हम लोगों ने वीडियो प्ले करके और एनिमेट कर दिया है अपने हेलीकॉप्टर को, तो ये इजिली थोड़ा एनिमेट हो गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसी एनिमेशन को हम लोग अपने एनवायरमेंट में डाल दिए हैं। और गाइस, इस बार हम लोगों ने एक कैरेक्टर को पहले ही 3D कैरेक्टर को प्लेस किया हुआ है एनवायरमेंट में ताकि उसको देख के हम लोग अपने जो की लाइटिंग है उसको मैच कर सकें। तो गाइस, इतना कुछ करने के बाद 3D एनवायरनमेंट अपना बन के तैयार हो गया है और अच्छा भी लग रहा है, लाइटिंग वगैरह ठीक हो गई है। और गाइस, पिछली वीडियो में कुछ एक भाई ने हमारे कमेंट किया था तो कि आपके फेस पे लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने उस लाइटिंग सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया और सही करने की कोशिश की है, तो इस भाई का कमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में। और कुछ भाई लोग हम अपने कमेंट करते हैं जो कि हमको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या दिक्कत है और क्या नहीं दिक्कत है, किसको सही करना चाहिए, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप लोग बताते हैं तो हम उसको उस प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा फिक्स कर सकते हैं। और इन सब की कमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से सीन की तरफ। तो ये 3D एनवायरनमेंट बन जाने के बाद हम लोगों ने अपने कैरेक्टर को ग्रीन स्क्रीन पर की आउट करके अपने एनवायरनमेंट में प्लेस किया है। अब प्लेस करने के बाद सब कुछ परफेक्ट हो गया तो हम लोग इसका रेंडर निकाल लिए हैं। इसके बाद अब बारी आती है कंपोजिशन की। तो कंपोजिटिंग के लिए हम लोग हमेशा की तरह आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो अपने सारे रेंडर को जो है कंपोजिशन में ऐड करने के बाद हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी कि धूल वगैरह उड़ने चाहिए हेलीकॉप्टर अगर आ रही है तो डस्ट पार्टिकल्स का ग्रीन स्क्रीन हम लोग को यूट्यूब वगैरह पर मिल जाते हैं आसानी से, तो उसको हम लोगों डाउनलोड करके अपना 3D कैमरा ट्रैक करके वहाँ पर प्लेस कर दिया है ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक दिख जाए। इतना कुछ हो जाने के बाद थोड़ी सी सीन की कलर ग्रेडिंग करी है और ऑडियोस के लिए भी कुछ कमेंट आई थी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद गाइस कि हम लोग हेलीकॉप्टर का भी ऑडियो इसमें डाले हैं थोड़ा सा म्यूजिक ताकि वो रियलिस्टिक सीन को बनाया जा सके। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद थोड़ा सा अपने सीन में जो है नॉइज़ ऐड की है और एक ऑप्टिकल फ्लेयर का यूज़ किया क्योंकि लाइटिंग ताकि दिखा सकें हम लोग। इतना मिर्च मसाला डालने के बाद गाइस कुछ वीडियो बन के तैयार होगी, एक बार चेक के जरूर देखें। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो चीनी रोक के मसाला ठोक के लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।